दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जो हॉस्पिटल्स के अंदर लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, और फिर उसके अंदर जो सेक्शंस होते हैं, जो जिसमें हमारा हेमाटोलॉजी जो सेक्शन था, हमने उसके ऊपर बात की थी, उसके अंदर जो होने वाले टेस्ट है उसके ऊपर बात की थी। तो मैंने सभी टेस्ट के नाम बताए थे आपको और वो किस पर्पज़ से कराए जाते हैं उनके बारे में बताया था। अब हम आज पर्टिकुलर वन बाई वन जो टेस्ट हैं उनके इन डिटेल ब्रीफली उनके बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है CBC टेस्ट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। उसके बारे में आज हम इन डिटेल बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी और मेरे YouTube चैनल टेक्निकल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही जानदार वीडियो होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CBC टेस्ट के बारे में। CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ये होता क्या है? दोस्तों हमारे ब्लड में सेल्स या कोशिकाओं के बारे, स्पेशली RBC प्लेटलेट्स और WBC सेल्स के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देता है CBC टेस्ट। CBC टेस्ट के हेल्प से बहुत सी चीज़ों का पता चलता है, जैसे एनीमिया, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ब्लड में या ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारियों का भी पता चलता है। दोस्तों CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारे ब्लड के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जाती है, जैसे RBC सेल्स का लेवल जो कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं, नंबर दो WBC जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो संक्रमण या इन्फेक्शन से लड़ती है, नंबर तीन हीमोग्लोबिन का लेवल जो कि ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है पूरे ब्लड में, नंबर चार प्लाज्मा का लेवल पता चलता है ब्लड में, नंबर पाँच ब्लड में प्लेटलेट्स का लेवल पता चलता है। दोस्तों इन सभी चीज़ों का एबनॉर्मल लेवल किसी भी बीमारी से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए CBC के द्वारा किसी भी बीमारी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं किस लिए किया जाता है CBC टेस्ट। दोस्तों CBC टेस्ट किस लिए किया जाता है और इसके इम्पोर्टेंट रीजंस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। नंबर वन, ओवरऑल हेल्थ के लिए। दोस्तों आपका डॉक्टर ब्लड काउंट के लिए आपको यह टेस्ट रिकमेंड कर सकता है। इससे डॉक्टर बॉडी में तमाम डिसऑर्डर्स जैसे एनीमिया और ल्यूकेमिया इन सब के बारे में पता लगा सकता है। नंबर दो, मेडिकल कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। दोस्तों डॉक्टर आपको कमजोरी का एहसास, बुखार, सूजन और ब्लीडिंग होने पर भी CBC टेस्ट रिकमेंड कर सकता है। अब दोस्तों ये तो रही बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ CBC। अब हम बात करते हैं CBC पैरामीटर्स की, कि CBC के अंदर आने वाले सभी पैरामीटर्स है क्या और इनका काम क्या होता है, इनकी नॉर्मल रेफरेंस रेंज क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि CBC के अंदर आने वाले सभी पैरामीटर्स के नाम, नंबर वन HB यानी हीमोग्लोबिन या फिर HGB भी बोलते हैं, नंबर दो WBC वाइट ब्लड सेल्स या TLC टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, नंबर थ्री RBC रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स, नंबर चार HCT हीमेटोक्रिट या PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम, नंबर पाँच DLC जो डिफरेंस टाइप्स होते हैं TLC के ही, उनको हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट भी कहते हैं। इनमें फाइव पार्ट्स जो होते हैं, पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, नंबर दो पे होता है लिम्फोसाइट्स, नंबर तीन होता है मोनोसाइट्स, नंबर चार होता है इसिनोफिल्स, नंबर पाँच होता है बेसोफिल्स, इसके बाद सिक्स नंबर पैरामीटर्स होता है हमारा प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, नंबर सात MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, नंबर आठ MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, नंबर नाइन MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये होते हैं मोस्टली इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। वैसे तो दोस्तों और भी पैरामीटर्स आते हैं CBC के अंदर, जैसे MPV, RDW, PDW, लेकिन जो मेन और इम्पोर्टेंट होते हैं वो जो मैंने आपको 8 से 9 बताए हैं वही होते हैं, इसलिए आज हम इन्हीं पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सभी पैरामीटर्स के बारे में बताना स्टेप बाई स्टेप। नंबर वन पे जो हमने हीमोग्लोबिन बोला था उसके बारे में बताएंगे, हीमोग्लोबिन यानी HB।
दोस्तों एचबी की नॉर्मल रेंज जो होती है वो रेंज मेल के अंदर 12 टू 16 ग्राम पर डीएल होती है, 12 से 16, फीमेल के अंदर 11.5 टू 15.1 ग्राम पर डीएल। अब बात करते हैं दोस्तों एचबी या हीमोग्लोबिन है क्या। दोस्तों हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि शरीर में ऑक्सीजन लाता है और साथ ही ब्लड सेल्स को लाल रंग भी देता है। एचबी टेस्ट कराने पर यह टेस्ट पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की खून की क्षमता को मापता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को भी मेजर करता है। अगर किसी भी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम है तो इसका मतलब है कि उसके पास आरबीसी कम मात्रा में है और वो एनीमिया का मरीज है। नंबर दो, डब्ल्यूबीसी यानी टीएलसी, वाइट ब्लड सेल्स या टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, जिनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4.00 से 11.00 पर cmm यानी क्यूबिक मिलीमीटर। देखिए दोस्तों हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी या टीएलसी का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन डेवलप होता है तो डब्ल्यूबीसी के कारण बैक्टीरिया, वायरस या और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है वो उसको तुरंत ख़त्म कर देती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो उनको किल करने का काम ही करती हैं उस एंटीजन को। जब भी हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की काउंट तेज़ी से बढ़ जाती है तो ये संकेत होता है इस टाइम हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। किस टाइप का कुछ गड़बड़ है, इस टाइम हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर है, ये संकेत हमें मिलते हैं। नंबर तीन, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 टू 5.5 एम पर cm यानी मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। दोस्तों आरबीसी का भी एक अहम रोल होता है ब्लड के अंदर। ये फेफड़ों यानी लंग्स से बॉडी के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा, साथ ही ये आरबीसी लंग्स में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले जाने का भी काम करती हैं। अगर ब्लड में आरबीसी की काउंट कम होती है तो बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है। इसके बाद बात करते हैं नंबर चार, HCT या PCV, हिमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम, इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 to 45%, यानी कि ये परसेंटेज में इसकी यूनिट होती है। दोस्तों HCT यानी PCV यह एक सिंपल ब्लड एक्सपेरिमेंट है जो कि ब्लड में RBC की परसेंटेज को डिसाइड करता है और HCT की वजह से ही ऑक्सीजन RBC के द्वारा पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होती है। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा या बहुत कम RBC होती हैं तो तब कुछ बीमारियों के होने का संकेत मिलता है। यह PCV टेस्ट RBC से बनी हुई मात्रा के द्वारा ब्लड की परसेंटेज को इंडिकेट करता है। इसके बाद बात करते हैं हम DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, उसके जो 5 पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। न्यूट्रोफिल्स, इनकी नॉर्मल रेंज होती है 40 to 60 लिम्फोसाइट्स 20 to 40%, मोनोसाइट्स 2 to 8%, ईसिनोफिल्स 0 to 4% एंड बेसोफिल्स 0.5 to 1%। दोस्तों हम DLC ब्लड टेस्ट के द्वारा हमारे शरीर में हर एक प्रकार की WBC की परसेंटेज मेज़र कर सकते हैं। इसलिए हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड में जनरली 5 टाइप की WBC होती हैं। DLC टेस्ट से ही ल्यूकेमिया या और भी टाइप्स के इन्फेक्शंस का पता लगा सकते हैं। DLC और TLC टेस्ट के बाद डॉक्टर बीमारी की जड़ तक पहुंच सकते हैं, जिससे बॉडी में फैल रहे इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर 6, MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 82 to 98 पर FL यानी फेमेटोलीटर, इसकी यूनिट होती है। MCV ब्लड टेस्ट अक्सर एक कंप्लीट ब्लड काउंट का हिस्सा होता है दोस्तों, जिसमें एक नियमित टेस्ट एक्सपेरिमेंट होता है जो हमारे ब्लड के कई अलग अलग कंपोनेंट्स को मेजर करता है, जिसमें RBC भी शामिल होती है। इनका उपयोग कुछ ब्लड
डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स की जांच या उनके सॉल्यूशन के लिए भी किया जाता है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये रेड सेल्स इंडिसेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 7 पे आता है हमारा MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 26 to 34 PG यानी पिकोग्राम इसकी यूनिट होती है। दोस्तों MCH से हम RBC में हीमोग्लोबिन की एवरेज परसेंटेज का पता लगाते हैं। MCV की कमी संकेत देती है कि RBCs नॉर्मल माइक्रोक्रेटिक की कंडीशन में हैं, और ये जब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 8 MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 32 to 36 ग्राम पर डीएल। दोस्तों एक RBC के अंदर हीमोग्लोबिन की एवरेज कंसंट्रेशन यानी औसतन एकाग्रता की काउंट है MCHC। बेसिकली MCHC के रेट में कमी जब हाइपोक्रोमिया यानी कि आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और थैलेसीमिया जैसी कंडीशन में देखी जाती है।